इनको स्टीराइड लेना पड़ रहा था, इतना भयंकर इनको कमर में दर्द हो गया था, अब ये स्टीराइड बंद कर चुके हैं। क्या नाम है? सचिन। मुझे 12 साल से ये प्रॉब्लम थी, पहले रूमेटाइटिस अर्थराइटिस थी, उसके बाद स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हुई, तो काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीज ये है। और फिर क्या ले रहे हैं? अलग अलग मेडिसिन ले रहा था सर, का भी स्टेरॉइड एडोपामिन करके एक इंजेक्शन है। अब ये जो है एक इंजेक्शन इम्यूनो सप्रेशन के लिए दवाई ले रहे थे, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी इनकी। अब इनको ये पीड़ांतक से अथवा बादाम रोग से अथवा तेजस तैलम से और कुछ नहीं तो तिल के तेल से मसाज, ये तो बहुत अलग केस है, इसको मैं अभी बाद में बुलाऊंगा। 3 पीढ़ियों से इसको जेनेटिकली, ये इतना ठाड़ा लंबा तगड़ा लड़का, इसकी हड्डियां एक तरह से गलने लग गई थी, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस एक साथ इसको शुरू हो गया था। इसको बाद में बुलाऊंगा। अनुज, क्या नाम है? अनुज राठी। इसके पिता की सारी हड्डियां खराब हो चुकी थी, माँ की इसकी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। माँ को तो अभी मैंने बुलाया नहीं, आप देख करके डर जाओगी। इसकी माँ को बुलाओ भाई, है ना, दिखाई इनको सही। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। और मुझे बैक पेन था पिछले 6-7 साल से, घर में योगा करता था बट आहार वाइज कभी कभी खाना पीना उल्टा सीधा हो जाता था और इतना फॉलो नहीं कर पाता था। बट यहाँ पिछले 3 दिन से आया हूँ और बिल्कुल एकदम यू टर्न हो गया है, एकदम कमर बढ़िया हो गई है। और उम्र 35 में कमर का कबाड़ा हो गया था, ठीक कर लिया इसने। अब एक एक करके मैं बाद में बताऊंगा, ये तो अलग ही केस है। 1 मिनट भी बात नहीं कर सकता था इसको, तो पूरा हमने वाष्प पूरा दे दिया है इसको। और इसको सार्कोडायसिस था, सार्कोडायसिस में लंग्स में गांठ है बाबा हमको, और खांसी था 1 साल से, और 6 महीना से जो है गर्दन लेफ्ट साइड का और कंधा और हाथ मूवमेंट में दिक्कत हो रहा था। अब जाकर सही हुआ है, मैं 1 हफ्ता से यहाँ पे हूँ। 1 सप्ताह में इसने चेंज कर लिया है, हा? और वो तो 1 मिनट की बात नहीं कर पाता था। क्या जैसा ही लगता है सब। तो एक एक करके मैं ये परिचय तो दूंगा और किस तरह से ये रोग मिटते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत जो है वो सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। देखो, अर्थराइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इलाज इसका इतना आसान है। ये